Assalamualaikum, welcome back to the Novel Kashmir channel. My name is Tahir and I am the host of this channel. आज काफ़ी दिनों के बाद फॉर एक दो मंथ्स के बाद मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ. बेसिकली एग्ज़ाम्स के साथ थोड़ा बिजी थे लेकिन फाइनली जो है मैं फ्री हूँ. लेकिन अब सबसे पहले जो मेरे दिमाग में एक चीज़ था कि टू नो द केमिस्ट्री बिहाइंड द मेंटोस वर्सेस कोक एक्सपेरिमेंट. आप सभी ने उसकी जो वीडियो है वो देख ली होगी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे. सबसे पहले मैं वो एक्सपेरिमेंट करूँगा एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू द केमिस्ट्री बिहाइंड दैट एक्सपेरिमेंट. सो एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छा रहा लेकिन इसमें क्या हो गया कि जो हमारी बोतल थी कोक बोतल थोड़ी सी छोटी थी. अगर मेरे पास बड़ी होती तो फिर जो और ज़्यादा मज़ा आता एक्सपेरिमेंट करने में, क्योंकि जो फाउंटेन है इसमें से फिर वो गैस निकलता है, वो फिर बबल्स ऊपर तक जाते हैं. अब हम देखेंगे सबसे पहले कि मतलब इसके पीछे जो केमिस्ट्री क्या कहती है. देखिए वी नो दैट जो कोक बोतल होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअली उसमें बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, लेकिन
उसमें से एक गैस भी जो है वो डिसॉल्व होती है, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। एक ला है केमिस्ट्री में, एक ला है, दैट ला इज कॉल्ड एज ए हेनरीज ला, जो कि आप सभी ने ऑलमोस्ट क्लास 12th में जो है पढ़ा होगा। हेनरीज ला क्या कहता है? हेनरीज ला कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस विच इज प्रेजेंट अबव द सर्फेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड। यानी कि जितना पार्शियल प्रेशर ऊपर जो लिक्विड सरफेस के ऊपर होगा, उसका जो पार्शियल प्रेशर है यानी कि वो फोर्स पर यूनिट एरिया वो एग्जर्ट कर रहा होगा लिक्विड के सरफेस के ऊपर, इट इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द जो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस किधर पानी के अंदर होगा। यानी कि जितना पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, उतना ही जो मोल फ्रैक्शन है उस गैस का पानी के अंदर बहुत ज़्यादा होगा। मैं कह सकता हूँ कि मतलब जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड ज़्यादा होगा, हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड के अंदर उस गैस का प्रपोर्शन है वो ज़्यादा होगा। दिस प्रिंसिपल जो है यही वर्क एक्चुअली यहाँ पर करता है। वी नो दैट जो हमारे पास कोक बोतल होता है, उसको जब हम ढक्कन खोलते क्या हो जाती है, एक आवाज़ निकलती है पस, वो फिस बेसिकली क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बोतल से एक्सचेंज मतलब बाहर निकलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने भी कहा कि इट इज़ बेस्ड ऑन द हेनरीज ला, जितना जो मतलब उस छोटे से फ्रैक्शन के ऊपर जो प्रेशर होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, हाईली कंप्रेस्ड वो होता है वहाँ पर गैस, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व हो जाता है अंदर इस कोक का जो वो लिक्विड पोर्शन होता है उसमें वो डिसॉल्व होता है। फिर जब हम क्या करते हैं कि जो ढक्कन खोलते ही क्या हो जाती है कि जो गैस है वो एस्केप हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है अंदर वो भी क्या आ जाता है, वो बाहर आ जाता है बिकॉज ऑफ द, क्योंकि प्रेशर ख़त्म हो गया है। लेकिन इन एडिशन टू दैट, इसको जो है इस मतलब इस रिएक्शन को जो है हम इंक्रीज भी करा सकते हैं। कैसे? बाय पुटिंग ए मेंटोस इनटू द कैन और बॉटल ऑफ द कोक। बेसिकली अगर हम देखेंगे कि जो मेंटोस का जो सरफेस होता है उसके बहुत सारे पोर्स उस पर होते हैं। एक्चुअली जो हमारा कोक होता है उसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसने एक पकड़ बना रखी होती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, एंड इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या हो जाती है, मतलब जो मेंटोस है, मेंटोस यहाँ पर एक्ट करता है एज एन रीएजेंट। जो ही हम मेंटोस को लगा देते हैं उस कोक के अंदर, तो फिर क्या होता है कि जो कोक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। जो ही वो डिसोसिएट हो जाते हैं तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ अ गैस, एंड ये फिर चला जाता है ऊपर, एंड एज अ रिजल्ट जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाते हैं उस वाटर मतलब है ना मतलब एक साथ निकल जाते हैं, तो फिर उसकी वजह से एक फाउंटेन जैसा जो है वो डेवलप हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा, मतलब थोड़ा अगर ना ही समझ आए तो फिर से देख लीजिए। आई डो नॉट हैव द प्रॉपर वो टूल्स मेरे पास नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको इमेजिन कर पाता, लेकिन दिस इज़ द साइंस बिहाइंड। यानी कि जब हम मेंटोस को उस बॉटल के अंदर प्लेस करते हैं, बहुत सारे मेंटोस को जब हम करते हो, फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि जो मेंटोस के जो सर्फेस होते हैं उसके मतलब उसका जो सर्फेस उसके बहुत सारे पोर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज एन मतलब ब्रेकिंग टूल फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इस द कार्बन डाइऑक्साइड दे इमर्ज आउट फ्रॉम द कोक, एंड जो ही एक साथ निकल जाते हैं तो फिर डू 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 बबल्स आ जाते हैं और वो ऊपर तक फैल जाता है, क्योंकि उनमें प्रेशर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई होगा। सो दिस वॉज द साइंस बिहाइंड दिस एक्सपेरिमेंट। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।